करते हैं? बैड थिंग तो बस ये है कि जैसे कि कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो उसको मतलब पूरा नहीं करवाते, यानी कि उसको कंप्लीट बीच में छोड़ देते हैं और दूसरा स्टार्ट करते हैं। हाँ, दूसरा स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारे अभी पॉलिटी क्लास है तो लगभग अभी 3-4 बार रुक चुकी है। 3-4 बार रुक चुकी है। तो बस यही है कि सर से ही बोला था, पर सर पे कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट को देखना पड़ता है कि भाई सर की क्लास और जगह होती है, दिल्ली भी होती है, इंदौर भी होती है। नहीं तो वो तो उनकी प्रॉब्लम है ना, फिर आप कोर्स तो पूरा कराओ, वो तो क्लास है तो है जिस पर हमारा वो फ्लो टूट जाता है। तो फिर ऐसा, तो जैसे आपने बोला यहाँ पे कोर्स बीच में रह रहा है, तो फिर जैसे उन्होंने क्या बोला था, इंदौर भी है ना क्लास, और कहाँ पे जैसे दिल्ली भी है, दिल्ली भी है, तो फिर वहाँ पर भी चल रहा होगा ना कि एक बैच वो क्या बोलते कोर्स बीच में छोड़ के फिर वहाँ पढ़ाने चले गए, वहाँ से बीच में छोड़ के यहाँ पढ़ाने। ये एक प्रॉब्लम है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। अभी हमारे साथ है उत्कर्ष कोचिंग के स्टूडेंट्स, ये आरएएस का कोर्स कर रहे हैं और आपको आज ये कोचिंग की जो भी अंदर की बात है, जो भी रियलिटी है, क्या कितना सच है और कितना झूठ है, वो सारी बातें आपको बताएंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें एक अच्छे रिव्यू के लिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर आप कुछ सिली क्वेश्चंस करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप पहले वीडियो को प्रॉपर पूरा देखें, है ना? ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सो आप इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम है सुनील मीणा और मैं 2007 बैच का स्टूडेंट, तीनों हम 2007 बैच के ही। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं हूँ बूंदी से। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम कुणाल सोलंकी और मैं उदयपुर का रहने वाला। ओके, मेरा नाम विजेंद्र सिंह गुजर, मैं बूंदी से हूँ। ओके, सो अब आप मुझे जो आरएएस का बैच कर रहे हैं उसकी थोड़ी डिटेल्स और बताइए। जी, हमारा बैच चला था मतलब 1 मई 2023 से चला था, तो हमको लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है और 50% लगभग सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है साल भर के अंदर। और पढ़ाई अच्छी चल ही रही है, प्रॉपर क्लासे लग रही हैं रेगुलर और सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। और कितने दिन का कोर्स और बचा आपका? अभी सर बोल रहे थे वैसे तो भाई 1 साल और लगेगा ही सही, 2 साल का कोर्स होता है वैसे भी आरएएस का, 18 महीने तो मिनिमम, तो वो दो साल तक चला जाता है। मतलब चला क्यों जाता है फिर? या तो स्टार्टिंग में बोलो मत 18 महीने है ना, फिर ऐसे चला जाता है का मतलब क्या होता है? सही बात है ना? वो क्या है कि चला ही जाता है, जैसे कि कोई बार सर नहीं आते तो क्लासें नहीं लगती। अभी हमारे कॉलेज में ये पेपर चल रहे हैं ना, तो पेपर की वजह से भी वो क्लासें उसी हिसाब से लगाते हैं। नहीं देखो, वो बात सारी आपकी सही है ना, वो इतना सा एडजस्ट कर लेना चाहिए, बट आप या तो बोलो मत स्टार्टिंग में कि 18 महीने लगेंगे, है ना, या फिर उन्हें बोलो तो स्टार्टिंग में प्रॉपर बताओ कि 18 महीने का कोर्स है, ये ज़्यादा भी हो सकता है ना, आपको ऐसा बोला गया था? वो ज़्यादातर तो कोशिश करते ही हैं, करते ही भाई टाइम पर कोर्स हो जाए, लेकिन फिर भी हो ही जाता है, ज़्यादा नहीं होता, 19-20 ही होता है ऊपर नीचे। आप फीस वगैरह बताइए। फीस तो उत्कर्ष की आरएएस फाउंडेशन की 65,000 रुपये है। हम तो क्या है, अनुप्रति कोचिंग से हैं, तो हमारे फ्री है सब। आप तीनों? तीनों अनुप्रति कोचिंग से। अनुप्रति कोचिंग से मतलब क्या है? अनुप्रति कोचिंग योजना थी एक, जिसमें मतलब 12th बेस जो परसेंटेज थी ना उसके आधार पर लिया जाता था हमको। तो आप उसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ फाइलें चल रही थी, अब तो सरकार ने बंद कर दी। नहीं तो उसका प्रोसेस क्या था? प्रोसेस तो जैसे फॉर्म निकलते थे तो फॉर्म भरना होता था और फिर उसके आधार पर मेरिट तैयार की जाती थी। तो मतलब जो 12th की परसेंटेज थी उसके बेसिस पे, है ना? 12th या फिर फैमिली कंडीशन के हिसाब से? नो, परसेंटेज के परसेंटेज। ओके, जो हाई परसेंटेज होते थे उनको ले लिया जाता था उसमें। ओके, यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो? फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो फिर तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट हो रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपको आरएएस के जो कोर्स कर रहे हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही है? एक तो ये है कि आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी सिविल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आंसर राइटिंग। और उत्कर्ष में एक चीज़ ये बढ़िया है कि हम जब से आए हैं तब से आंसर राइटिंग पर जोर दिया जा रहा है। उसके अलावा ये है कि अभी एक और इनोवेटिव प्रोग्राम चलाया है, वो है इंटरव्यू का। हर एक बैच से एक एक बच्चे को बुलाकर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। मतलब कब लिया जाएगा? कोर्स होने के बाद में? अरे अभी चल रहा है, मतलब अभी वन बाय वन के सबको ले रहे हैं ना, मतलब एक आपका भी नंबर आ सकता है ना, यानी डेली का एक पर्सन। और ये एक पर्सन नहीं, मतलब एक बेस से लगभग एक दिन में 10-15 जनों का वो इंटरव्यू ले लेते हैं। मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ में हो रही है। ओके, ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी। ओके, और जैसे कि अपने व्यक्तित्व विकास के लिए वो डिबेट्स प्रोग्राम भी रखते हैं। डिबेट्स मतलब एक टॉपिक दे देते हैं इस फेस, तो फिर हमको उस पर बोलना होता है पूरी क्लास के सामने। वो बोलना हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है? हिंदी में होता है। हिंदी में ज़्यादातर
सब हिंदी बोलते हैं। हिंदी वो तो ये है कि जिसका जैसा मीडियम होगा वो उसमें जो जैसे कंफर्टेबल रहा वैसे आके बोल लो, कोई इशू नहीं है ना, बोल सकते हैं। ओके, अब आप भी मुझे बताइए कि आपको बुक्स नोट्स ये और क्या क्या प्रोवाइड कराए थे? मतलब हमको जैसे क्लास में तो लिखाते हैं, उसके अलावा हमको प्रिंट एंड नोट्स और मंथली मैगजीन देते हैं, और इसके अलावा भी ऑनलाइन कोर्स दे ही रखा है। ये है तो ऑनलाइन कोर्स कब तक के लिए अवेलेबल है आपके पास? मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा हमारे यहाँ। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा? बैच तो बैच कम्प्लीट हो जाएगा तब भी रहेगा, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा ना आर एस का। तो आप कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो अभी? तो अभी हमारी शुरुआत ही है। नहीं, चलो आप कोर्स कर रहे हो है ना, अभी आपने ये 23 वाला तो गया, अब ये तो दोगे नहीं, अब 25 या 6 में आएगा वैकेंसी, तो उस वैकेंसी तक आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा? हाँ ऑनलाइन होगा ना, तब तक अवेलेबल, तब तक रहेगा। इसमें क्या है कि ऐसा है कि जिस बच्चे की अटेंडेंस 80% होगी उसी को मिलेगा। अच्छा, वो चीज़ उसी को मिलेगी ना, क्योंकि जो आ रहा ही नहीं फिर उसको तो क्या देने से भी क्या मतलब है। ओके, और आपकी बैच स्ट्रेंथ कितनी है? लगभग 200-150 से 200। मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम नहीं होती ज़्यादा, 300-350 तक हो जाते हैं। 400 से ज़्यादा नहीं होती है ना? 400 से ज़्यादा। और क्लास वगैरह में डाउट वगैरह क्लियर होते हैं? डाउट ये है कि अगर करवाते हैं अपने को कुछ भी नहीं आ रहा हो तो ये है कि टीचर जब पढ़ाते हैं तभी अपन डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, या फिर जैसे क्लास में तो आप डाउट पूछ ही सकते हो, आप पूछ बाद में भी अवेलेबल है? हाँ, बाद में भी, कभी भी, एनी टाइम। ये है कि टीचर आपको जहाँ पर मिले तब आपको, तब आप जैसे कि हमारे जो ऑनलाइन ऐप है उसमें कई सारे फीचर्स दे रखे हैं, जैसे एक है आस्क डाउट, तो जैसे हम घर पे पढ़ रहे हैं तो कोई डाउट आया तो उसका फोटो खींचो और फिर उसमें सारा सॉल्यूशन आ जाता है ऐप पर ही। इसके अलावा ये भी है कि हर वीक हमारे टेस्ट होता है, उसके ऊपर एक QR कोड आता है, तो ये है कि जो उत्कर्ष का ऐप है उसे हम स्कैन करेंगे तो उसका पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। टेक्नोलॉजी पर बहुत काम किया। अच्छा, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ना पूरी तरह से? पूरा यूज कर रहे हैं। और क्लास वगैरह में तो आप डाउट पूछ सकते हो। एक चीज ये भी है कि टॉपर्स मीटिंग भी होती है, जो भी है कि बच्चे बैच में टॉप आ रहे, टॉप 3 या फिर टॉप 4 को महीने में एक बार खुद निर्मल सर आते हैं यहाँ पर, निर्मल सर मिलने आते हैं और वो मतलब समस्याएं सुनते हैं और कुछ नए सुझाव आइडिया हो तो उनको भी सुनते हैं वो, और फिर उनका मतलब हाथों हाथ समाधान किया जाता है। ओके, अब आप मुझे बताइए कोचिंग के एक बैड थिंग बताइए और एक गुड थिंग बताइए। पहले कुछ चलो गुड थिंग की बात करते हैं, आप बताइए। गुड थिंग तो क्या है, जैसा कि आपने अभी बता दी, चलो बैड थिंग मतलब ये टेक्नोलॉजी सबसे बढ़िया लगी मुझे, ये टेक्नोलॉजी की बहुत बढ़िया। बैड थिंग की बात करते हैं, बैड थिंग तो बस ये है कि जैसे कि कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो उसको मतलब पूरा नहीं करवाते, यानी कि उसको कंप्लीट बीच में छोड़ देते हैं और दूसरा स्टार्ट करते हैं। हाँ, दूसरा स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारे अभी पॉलिटी क्लास है तो लगभग अभी 3-4 बार रुक चुकी है, 3-4 बार रुक चुकी है। तो बस यही है कि सर से बोला था, पर सर पे कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट को देखना पड़ता है कि भाई सर की क्लास और जगह होती है, दिल्ली भी होती है, इंदौर भी होती है। नहीं तो वो तो उनकी प्रॉब्लम है ना, फिर आप कोर्स तो पूरा कराओ, वो तो क्लास है तो है, जिस पर हमारा वो फ्लो टूट जाता है। तो फिर ऐसा तो जैसे आपने बोला यहाँ पे कोर्स बीच में रह रहा है, तो फिर जैसे उन्होंने क्या बोला था, इंदौर भी है ना क्लास और कहाँ पे, जैसे दिल्ली भी है, दिल्ली भी है, तो फिर वहाँ पर भी चल रहा होगा ना कि एक बैच वो जब क्या बोलते कोर्स बीच में छोड़ के फिर वहाँ पढ़ाने चले गए, वहाँ से बीच में छोड़ के। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको कुछ लगता है? वो तो क्या है, वो तो सब बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, और ऐसा थोड़ी अनुशासन का पूरी पालना होती है। ऐसा थोड़ी है कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको ये लाइक ये 3 XYZ फैकल्टी पढ़ाएगी है ना, और लेकिन पढ़ा और कोई रहा है नहीं, ऐसा तो फर्स्ट बात बताया नहीं जाता कौन पढ़ाएगा, पर जो पढ़ाते हैं वो सब बेस्ट ऑफ बेस्ट ही होते हैं, सबको बढ़िया बढ़िया। और आपका अभी तक का 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पहले आप बताइए फिर बताना। एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ अरे एक और हैं इसमें मतलब जो फुल लाइन टेस्ट होता है एक महीने के अंत में, लास्ट जो आर एस प्री है ना उसके हिसाब से पूरा टेस्ट होता है, और मेंस भी होते ही है रेगुलर, और करंट अफेयर का भी टेस्ट होता है, तो सब कुछ रेगुलर चलता है, मतलब जैसा बताया जाता है हमें टाइम टेबल पहले बता दिया जाता है, सब कुछ मतलब सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। और आप भी बताइए, उत्कर्ष में ऐसा है कि मटेरियल आपको सब कुछ मिल ही जाता है, आपको ये है कि कहीं बाहर से और मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, बाकी वो ही पढ़ो उससे अपना काम हो जाएगा, ऐसा है। आप ही बताइए अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप लाइक कैसा रहा 1 साल का? मतलब यहाँ हर मंथली टेस्ट होते हैं, जैसे टेस्ट वगैरह इन्होंने बता दिया आपको, तो
कोचिंग के अंदर क्या बढ़िया लगा, कौन सा टीचर आपको बेस्ट लगा? टीचर तो लगभग सभी फैकल्टी बढ़िया ही है, लेकिन उसके जो मुझे सबसे बढ़िया लगे वो हिस्ट्री वाले सर लगे। क्या नाम है उनका? महेंद्र जी, महेंद्र चौधरी। ओके, जैसा टीचर्स की आपने बात करी दी है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको अभी तक कितने टीचर्स पढ़ा चुके हैं? अभी देख लो, हमारे लगभग 10 सब्जेक्ट्स चल गए होंगे शायद। तो 10 टीचर पढ़ा चुके हैं। अगर आप उनको रेटिंग देना चाहो आउट ऑफ 5 तो कितनी दोगे आप बताओ? देखो अब रेटिंग तो क्या दे, सभी बढ़िया से बढ़िया ही है। देखो सभी बढ़िया है, लेकिन कमी भी कहीं ना कहीं होती है, टीचर सब बेस्ट ही होते हैं। लेकिन आप रेटिंग फिर भी देना चाहो तो? कुछ को तो मैं 5 आउट ऑफ 5 ही दूंगा। चलो कुछ को 5 आउट ऑफ 5 देंगे, लेकिन और अदर को नाम मत लो, लेकिन 4.5 है ऐसे, लेकिन 4 से कम तो नहीं, 4 से कम नहीं दूंगा ना। बढ़िया बना दे, 4 to 5 है ना, 4 to 5। आप? मेरा भी यही सेम रहा कि टीचर तो ये है कि सब बड़े होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमियाँ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। पर ये है ना कि ये जो है ना कमी, ये हमारी सफलता के बीच में कहीं ना आने वाली है। अब रेटिंग की बात आ रही है तो 4.5 से 5 के बीच में दूंगा। सब को एवरेज है ना, आप भी इतने दोगे? हाँ, मतलब 4 तक। ओके, थैंक यू सो मच, बात करके अच्छा लगा। अब आप उन स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे जो उत्कर्ष में आरएस की कोचिंग करने के लिए आने वाले हैं, तो आप उधर देख के बताइए, आप बताइए। जी यही बोलूँगा कि आइए, बहुत बढ़िया कोचिंग है, सब कुछ टाइम पे करवाया जाता है लगभग, और सबसे बड़ी बात ऑनलाइन कोर्स फ्री दिया जाता है, ये किसी और कोचिंग में नहीं दिया जाता। जब तक मतलब आपका बैच चलने के बाद भी जब तक पेपर नहीं होगा तब तक ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है, तो ये एक बहुत बढ़िया, तो हम कभी भी रिविज़न कर सकते हैं मतलब उसका। ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा, स्टूडेंट्स ने कोचिंग का एक जेन्युइन रिव्यू देने की कोशिश की है, जैसा इनका एक्सपीरियंस था इन्होंने वो चीज़ आपको बताई है। ऐसा इन्होंने तारीफ़ भी की है, तो इन्होंने कोचिंग की कमी भी बताई है, ऐसा नहीं है तो, और जेन्युइन रिव्यू का मतलब भी यही होता है। सो और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।